अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ बलोची टिक्के की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबल स्पून अदरक, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर 1.5 टीस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून हरी मिर्ची, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून लाल प्याज और 1/2 किलो हमें मुर्गी चाहिए इसके लिए, 1 कप दही। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दही के अंदर सारे मसालों को मिक्स कर देना है। यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर स्किप कर दिए थे तो हमने सोचा कि अभी आपको दिखा दें और इसमें मिक्स कर दें। अब हमने यहाँ पर दही के अंदर सारे मसालों को मिक्स कर दिया है और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसका पेस्ट जो है बिल्कुल अच्छे से बन जाए। अब ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है और ये बहुत थिक फॉर्म में बन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मुर्गी। मुर्गी ऐड करने के बाद भी हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मुर्गी के अंदर जो हमारा मसाला था वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। अब हम एक पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मुर्गी ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें मुर्गी ऐड कर दी है और इसे हमें बिल्कुल लाइट गोल्डन सा फ्राई करना है। जब तक हमारी मुर्गी फ्राई हो रही है तो हम इसके लिए ड्राई इंग्रीडियंट्स बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून लाल प्याज, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे सब मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल प्याज। फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अब जो है हमारी मुर्गी वो फ्राई हो चुकी है तो हमने इसे प्लेट में निकाल लिया। अब हम ये मसाला जो हमने बनाया है वो ऐड कर देंगे इसमें। आप अपनी मर्ज़ी से आप जितना डालना चाहे इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हमने डाला है इसमें धनिया। नींबू का रस डालेंगे हम इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ और थोड़ी सी हरी मिर्चियाँ। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।